अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम अकेडमी। पता: रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। उमरिया जिले में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में शामिल होने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश भर में चलाई जा रही विकास यात्रा को प्रदेश से उनकी निकास यात्रा बताई है। कमलनाथ उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो के बाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें कमलनाथ ने भाजपा सरकार को पैसे के दम पर खरीद फरोख्त करके बनाई हुई सरकार करार किया है। जहां कमलनाथ ने कहा, आज सरकार में चारों ओर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हावी है, पूरे प्रदेश को सट्टा और जुआ का गढ़ बना दिया गया है। सरकारी एजेंसियां मोटा कमीशन लेकर बड़े बड़े टेंडर दे रही, पर सभी निर्माण कार्य अधूरे हैं। वहीं कमलनाथ ने किसानों के डिफॉल्टर होने के सवाल पर कहा कि यह भाजपा की देन है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी योजना लागू की थी, जिसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण किसान परेशान हुए, उन्हें डिफॉल्टर होना पड़ा। सीएम शिवराज की लाडली बहन योजना के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह को चुनाव के समय पर जनता की याद आती है और चुनाव के बाद वे किए गए वादों को भूल जाते हैं। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सामुदायिक भवन में आयोजित मंडलम और सेक्टर कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि हम 20 वर्षों से सत्ता के वनवास में हैं, लेकिन सेक्टर और बूथ हमारी दोनों महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनके सहारे जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने सभी से आगामी चुनाव में एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने की अपील की है। आप यहाँ उपस्थित हुए, हमारा उमरिया वन और कोयले उसकी पहचान है, और आज कोयले क्षेत्र में क्या हालत है, कोयले क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रदेशों से लोग आते थे रोजगार के लिए, आज उमरिया के लोग को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन ज़बरदस्त हो रहा है। हमारे वन भूमि में पट्टे 4 लाख पट्टे अभी तक निरस्त कर दिए गए, 6.5 लाख थे, 2.5 लाख दिए और 4 लाख पट्टे निरस्त कर दिए गए। ये आज उमरिया का हाल है। आज किसान का सत्यानाश, नौजवानों का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, व्यापारियों का सत्यानाश, ये आज चित्र प्रदेश का है। कानून व्यवस्था सत्यानाश, हमारी पोषण का सत्यानाश, गौवंश का सत्यानाश, ये आज प्रदेश की छवि है, और शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये मजाक, इतना बड़ा मजाक मध्य प्रदेश में सोचता हुआ नहीं। 18 साल का हिसाब वो दें, मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते हैं। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया उथल पुथल में। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर ये नहीं कि अचानक हो गया, मुझे पता था कि इतना इतना पैसा दिया जा रहा है, पर मैं कुर्सी के लिए सौदा नहीं करना चाहता था। और मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता था। तो जो मेरे पास समय बचा 11 महीने का, उसमें जो हुआ, मेरी मध्य प्रदेश के मतदाता गवाह है। शिवराज सिंह जी ये नाटक नौटंकी जो कर रहे हैं, ये विकास यात्रा नहीं है, ये तो उनकी निकास यात्रा है, और जनता समझ रही है। मध्य प्रदेश में जो हमारे भोले भाले मतदाता हैं, भोले भाले हैं पर बहुत समझदार हैं।
उनको ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है अभी होल्ड में रखते हैं, इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा काफ़ी जोरों पर है, कांग्रेस का क्या कहना है? या मध्य प्रदेश में कौन सा सट्टा जोरों में नहीं है, कौन सी शराब, घर घर में शराब दी, बेरोजगारी दी, ये इनकी उपलब्धि है? आप सट्टे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा? बिल्कुल हम रोक लगाएंगे, हम कानून बनाएंगे, हम अपने वचन पत्र। हाँ, संविधान कर्मचारी की आपके सरकार के, पहले सरकार की मुख्य घोषणा थी, उसमें आप सफल संविधान कर्मचारियों, हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा में आंकड़े पेश किए गए, 27 लाख पहली किस्त में, उसके बाद समय नहीं था, 11 महीने थे, दूसरी किस्त शुरू हुई थी, इन्होंने रोक दी। मेरा लक्ष्य था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, कृषि क्षेत्र में हमारी मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, 70% किसान नहीं है, पर जो ट्रैक्टर चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो पंप की मरम्मत करता है, तो 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र। देखिए ये मैंने खुद कहा है, अभी जो मैंडेट चल रहा है इस समय, जो चेहरे पे जो राजनीति हो रही है कि भावी मुख्यमंत्री, देखिए ये कोई धारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के खोज में नहीं हूँ, मैंने ये खुद कहा है, मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, वो केवल पद से नहीं होता। ये तो मैं खुद कहता हूँ, संविदा कर्मचारियों के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने संविदा कर्मचारी हुए, हमारी संविदा के हुए, हमारे आउटसोर्स वाले हुए, आज आउटसोर्स में कोई आरक्षण नहीं, कोई मिनिमम वेज नहीं, उल्टा जो आउटसोर्स का देता है वो तो कमीशन देता है, और वो कमीशन ऊपर तक जाती है जो ठेका लेता है आउटसोर्स का। ये भ्रष्टाचार की तो इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है, पैसे दो काम लो। इतना कर्ज लिया है मध्य प्रदेश ने, ये कर्ज किस लिए लिया है कि बड़े बड़े, आप इससे RTI में मंगाइए, बड़े बड़े ठेके दिए हैं सिंचाई के, ठेके देने का क्या मतलब, 25% एडवांस दो और उस एडवांस से अपनी कमीशन निकाल लो, वो योजना जाए बाढ़ में, इसलिए अधूरी योजनाएं मध्य प्रदेश में इतनी सारी है। जब मैंने इसका अध्ययन किया था कि ठेकेदार ने एडवांस तो ले लिया और 5 साल से काम बंद है, एडवांस लेके उसने कमीशन दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम अकेडमी, पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।